आपने किस अवधि के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए, छोटी मैंने अवधि सर के लिए? लॉन्ग टर्म ओके, जी। लॉन्ग टर्म के लिए है। सर्वेंद्र, LIC, PSU बास्केट वैसे भी आपको काफी पसंद होती है, और LIC 35 शेयर इनके पास है 650 रुपये के दाम पर, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, अभी 50-60 रुपये है, और रीसेंट फॉल के अंदर शायद नीचे आया इनकी खरीदारी से, तो अभी क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए डेटा तो यहाँ पे अब कम है क्योंकि रिसेंट IPO है, बट थॉट यही रहेगा कि भाई अब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में तो हमको भी कोई फ्यूचर पे तो हमें भी कोई शक शुबा नहीं है। खाली ये 6-12 महीने का जो करेक्शन अगर आ रहा है तो आ रहा है, तो बस उतने के लिए उतना टाइम इनको खाली अब निकालना पड़ेगा। मैं जब हमने 2022 के जनवरी में बोला था तो हमने ये बोला था कि 18 से 20 महीने का एक करेक्शन आ सकता है, तो थर्ड क्वार्टर ऑफ 2023 के बाद से तो सब कुछ सुधरनी चाहिए मेरे हिसाब से भी, और इंडिया का एक नया बुल मार्केट भी वहां से स्टार्ट हो सकता है। तो 6 महीने और इतना पेन झेल लिया है तो 6 महीने और झेल लें, और डेफिनेटली फिर कहीं बाद में इसको और लेने की भी चेष्टा करें नीचे के भाव से, तो इनका एवरेज भी थोड़ा नीचे अच्छा आ जाएगा। सो होल्ड एंड एटलीस्ट 6 महीने का टाइम और दें, उसके बाद और लेने की भी चेष्टा करें नीचे में। जी, तो अभी आप समय दीजिए, लंबी अवधि की कहानी है और लंबी अवधि में के लिए ही आपने लिया है, तो समय देने में कोई हार्म नहीं है एटलीस्ट।